वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमारे टैलेंट ने ज्वाइन कर लिया। जनाब हमारे साथ मौजूद होंगी इश्पाइशा जो कि डिजिटल आर्टिस्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सिंगर हैं अबू बकर सुल्तान। दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो आयशा। सबसे पहले इश्पाइशा, डिजिटल पेंटर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बताएं कि इश्पा शौक कैसे हुआ, किस तरह का काम है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली मुझे ये शौक़ बचपन से ही था। मैं बचपन से कंप्यूटर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है ना, मैं उसके ऊपर पेंटिंग करती होती थी। तो करते करते भी मैंने फ़ोटोशॉप पे ट्राई किया, और अब मैं इस तरह करती हूँ, डिजिटल आर्ट करती हूँ। ये पेंटिंग से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे एक लाइन भी ड्रॉ करना, सीधी लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होती है। तो बस करते करते, प्रैक्टिस करते करते अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा, इस बार थोड़ी सी अपने इमेजेस भी हमारे साथ शेयर करें, हमें दिखाएं, और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे। ये है, आप मुझे पकड़ाएं, मैं कैमरे में दिखा दूँ। व्हाट्स दैट, ये आप बोलेंगी और मैं इसको दिखाऊंगी। ये मुझे, ये एक फ्यूजन है मुगल आर्ट का, और अब 21st सेंचुरी में मैं सोचती थी हमेशा से कि मुगल अगर हमारे इस टाइम में आ जाएंगे तो वो कैसे होंगे, उन्हें कितनी मुश्किल होगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मुझे हमेशा से मुगल आर्ट इतना अट्रैक्ट करता था, तो मैंने उस हमेशा से सोचती थी कि अगर वो अब होते तो वो कैसे होते। तो आपने उसको पहुंचे, क्या ठीक हो गया। एक और इमेज मैं वो वाली देखना चाहूंगी पहले। हाँ, ये वाली, ये दिखाओ, ये देखें जनाब, ये भी कि मैं इसके बारे में भी बताएं, ये क्या है? ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि हम हर औरत ऊपर से, हम अगर हम देखें पाकिस्तान में, हम सब अपने आप को कवर्ड करके रखते हैं, लेकिन अंदर से हर लड़की क्या होती है, हम सबको पता है हम कैसे होते हैं। और सोसाइटी हमें हिजाब करना पड़ता है सोसाइटी की वजह से, और हम सोशल सब हम पे हमें बताते हैं कि तुम ऐसी हो, हर कोई हम पे क्रिटिसाइज करता है। तो आपने उस चीज को पहुंचे किया। लवली लवली। अच्छा इश्बा, मुझे ये बताओ किसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, क्या जी होता है? इसके लिए होते हैं बहुत सारे, होते हैं कोरल ड्रॉ होता है, फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो मैं इलस्ट्रेटर पर करती हूँ। तो कितना टाइम लगता है इमेज को करने में? मुझे अगर मैं एक टाइम बैठ कर करूँ तो मुझे 7-8 घंटे लगते हैं, अगर बस टाइम ले लेकर करूँ तो 2-3 दिन भी लग जाते हैं। ठीक हो गया, लवली। अबू बकर सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, हम आपसे जानना चाहेंगे आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? आजकल तो काफ़ी सॉन्ग्स पे मैं गा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल यहाँ पे भी करने हैं अपना एक सॉन्ग। जरूर हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे। कुछ इस तरह ऐ रात थम जरा, कुछ इस तरह दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। ये जो चांद एक लकीर सा है आसमान पर, यूं ही आँख में मेरी रहे चमकता रात भर। ऐ बादलों जरा सी तुमसे इल्तजा है ये, फना ना हो उम्मीद के सितारे डूब के। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह ऐ रात तुम जरा, कुछ इस तरह तो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। जबरदस्त। अच्छा इश्बा, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि आप लोग, आप इंजीनियर से हो, तो वहाँ पर भी आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा, आपको गाइडेंस भी मिलती है, थोड़े पॉलिश भी होते हैं, तो कितनी हेल्प मिली वहाँ से? एनसीए में मेरी डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं फाइन आर्ट पढ़ रही हूँ। अच्छा। वहाँ पे तो एक फाइन आर्टिस्ट का और डिजाइनर का काफी क्लैश होता है, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती। दोनों ऑपोजिट चीजें क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि ये डिजिटल आर्ट मैं बचपन से कर रही हूँ, ये मुझे आता है, और फाइन आर्ट मुझे बस सीखना था इसलिए, क्योंकि जो चीज आती है मुझे लगा कि बस काफी है, इतना मैं कर ही सकती हूँ।
फाइन आर्ट में मुझे पेंटिंग सीखनी थी इसलिए मैंने फाइन आर्ट चूज़ किया। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से मौजूदा सियासी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा और ये जो पिक्चर है इस पे इमरान खान कुछ नजर आ रहे हैं और आपने ऊपर लिखा हुआ है घबराना नहीं है, ये क्या कहानी है? ये इसलिए कि जब इन्होंने अपनी स्पीच विक्ट्री स्पीच दी थी ना, तो तब ये बोल रहे थे हर बात के बाद में कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो मुझे मैंने उसको वो मुझे याद था कि मैं, और मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा। और मैं मुगल्स को इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये हमारी रूट्स, हमारा कल्चर यही है, मुगल्स, हम वहीं से आए हैं। तो मुझे वेस्टर्न कोई भी आर्ट फॉर्म होती है मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे मुगल्स हमेशा अच्छे लगते हैं। चेक करते हैं आप। और मैंने पॉप आर्ट को इसलिए मुगल्स के साथ मिलाया क्योंकि आपने कॉमिक सीरीज देखी होंगी बच्चों की, तो उन्होंने, मैं हमेशा से सोचती थी कि ये हम वेस्टर्न ही आर्ट क्यों बनाए, कि अगर दुनिया में कभी भी मेरा कोई काम देखे तो उसे देख के ही पता चल जाएगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट है ये। तो अभी आपका क्या प्लान है फर्दर, किस चीज को, फाइन आर्ट्स को लेके चलना है या डिजिटल, ये जो आप आर्टिस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, दोनों में से कंफ्यूजन दूर है आपकी, क्या आप इसको लेके चल रहे हैं? अभी कंफ्यूज है आप? हाँ, मैं करूंगी किसी एक को परस्यू, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कौन सी यू में हो? अभी मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक इशबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुल्तान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब, हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। इतने जबरदस्त मेहमानों से मिलवाया, आपने हमें फीडबैक जरूर दे रहे हैं। जागो लाहौर के नाम से पेज है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।